हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। और मैं अन अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ। फ्रेंड्स अगर आप गाइस, बहुत बहुत गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मयूर और प्रमोद पाल जी, नमस्कार जी। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का क्लास। गाइज, अन अकेडमी देश का नंबर वन प्लेटफॉर्म है और हम जाने जाते हैं अपनी साइंस की क्लासेस के लिए। आप लोग मेरा परिचय जानते हैं, डेली मिलती हूँ मैं आपसे। और कई दिनों से साइंस का क्लास हम नहीं करा रहे थे, इसकी जगह हम आपको आगे के मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे गाइज। तो बस वहीं से आगे बढ़ेंगे और टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अन अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कर लें और अन अकेडमी के फायदे, अनगिनत फायदे हैं अन अकेडमी के, बाद में बताएंगे आपको भाई कहीं से भी। चलिए अभी बता देते, 2 मिनट लगेंगे। तो अन अकेडमी पर आप हमारे लेक्चर्स, हमारी पूरी टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जहां पर आपको एग्जाम के हिसाब से सिलेबस कवर कराया जाता है। पेडागॉजी एग्जाम फॉर्मेट की रखी जाती है, आपको आपकी मनपसंद भाषा में नोट्स दिए जाते हैं। डाउट सेशन के साथ साथ गाइज 3 से 4 हजार रुपए का टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलता है। वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन और आपके बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ रहते हैं। हेलो सृष्टि, गुड इवनिंग। प्रमोद पाल जी, गुड इवनिंग। तो इसके अलावा गाइज, आप अपने डाउट्स, सबसे मेन बात है डाउट्स, आपके डाउट्स सॉल्व होते हैं हमारे साथ ऑनलाइन, जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं अन अकेडमी पर। और बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में आपको बाद में चर्चा करेंगे। चलिए पहले क्लास को शुरू किया जाए। और आज 10:30 बजे से मेरा क्लास है गाइज, आपको इस क्लास में आना है। आज चैलेंजर सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए कराने वाली हूँ कुछ शानदार क्वेश्चंस। 10:30 बजे मुझे ज्वाइन करेंगे आप आज अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस में। टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लें और यूट्यूब को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ आपके आगे गाइज। आपको बताना है, शेर की पूंछ जैसे मकाक, एक मकाक होता है, क्या होता है ये, क्या कहा जाता है? मकाक इज बेसिकली बंदर की प्रजाति को मकाक कहा जाता है। बच्चों क्या नाम होता है इसका, बताइए। हेलो शिवकांत चतुर्वेदी जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। बताइए लाइन टेल मकाक बंदर का बच्चों कॉमन नेम क्या होता है, आज का पहला क्वेश्चन। काला लंगूर, दाढ़ी वाला लंगूर, सिल्वर लंगूर और हाउलर, हाउ हाउ करता रहता है ये, मतलब इसके मुंह से जो आवाज आती है वो ऐसे ही आती है, हाउ करने वाली, तो इसको क्या कहा जाएगा, हाउलर लंगूर, बताइए। चलिए हम इसका उत्तर आपको दे देते बच्चों, इसको कहा जाता है दाढ़ी वाला लंगूर। वेरी गुड सृष्टि, बियर्डेड लंगूर इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बियर्डेड लंगूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड मयूर। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको बताना है इनमें कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, डायबिटीज और कॉलेरा। ऑप्शंस तो मस्ती लगाते हैं और जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे फटाफट से। चलिए तो बताइए इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। चलिए प्रमोद पाल जी का हमारे पास उत्तर आ गया है, वेरी गुड बच्चों, संक्रामक रोग नहीं है पूछ रहा है आपसे। और आंसर शिवकांत का बिल्कुल सही है, डायबिटीज। बच्चों डायबिटीज कभी एक से दूसरे पे छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज तो ये नहीं फैलती है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कॉलेरा है, चेचक है और ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये सारी इंफेक्शियस बीमारियां होती है। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आपको बताना है बच्चों, हमारे शरीर से नाइट्रोजन वाले वेस्ट निकालने के लिए, है ना, नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट निकालने के लिए कौन सी जो अंग है वो जिम्मेदार है? किडनी, लीवर, पैंक्रियास और लंग्स। किडनी रिलेटेड बच्चों, जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतना जल्दी हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकेंगे, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा का समय मत लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, नाइट्रोजन वाले वेस्ट कौन निकालता है, नाइट्रोजन वाले वेस्ट। बच्चों आपको एक बढ़िया सी बात बताएं, देखिए बात है ऐसी
नाइट्रोजन वाले वेस्ट हमारी बॉडी के मेन वेस्ट होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में गाइज रह जाए तो आप ये बात मान के चलिए कि हम बहुत जल्दी जो है हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ देगी। तो बच्चों द राइट आंसर इज किडनी, एक ही ये आंसर है गाइज। आपकी बॉडी से वेस्ट कौन निकालता है? किडनी निकालती है। आपके आपकी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है? किडनी होती है, ठीक है। कौन सा वेस्ट निकलता है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में बच्चों सबसे ज्यादा निकलता है यूरिया। हमारी बॉडी का मेन जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है कौन सा होता है? यूरिया होता है। मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया हुआ है, नाइट्रोजन का वेस्ट कौन होता है? यूरिया होता है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी में दो ऑर्गन्स और होती हैं जो सेकेंडरी ऑर्गन्स का काम करती है। हेलो आरिफ, गुड इवनिंग, नमस्कार जी। तो दो सेकेंडरी ऑर्गन्स और होती हैं, उनका पहला नाम है आपकी त्वचा। आपकी त्वचा से बच्चों CO2 और जितने भी पसीना है, पसीने के द्वारा सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। और एक होते हैं आपके फेफड़े, फेफड़ों के द्वारा आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों ऑर्गन्स, और बच्चों इसके अलावा एक आता है लीवर। लीवर आपके बॉडी में टॉक्सिक एजेंट्स को, आपके ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के काम आता है। तो तीन सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं आपके पास और एक प्राइमरी ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को अंदर से साफ रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी मैं। आपको बताना है बच्चों हमारे शरीर में कौन सी जगह पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय समझ गए? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बदली जाती है। बताइए कौन सी जगह है ऐसी? ब्रोंकस, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल या एल्वियोलर सैक्स या कुपिका, एल्वियलीज। मयूर जी, साइंस के करंट अफेयर्स पूरे साल के कराए हैं मैंने, और वहां से क्वेश्चन भी आए हैं। 24 अक्टूबर से पहले पूरा टोटल साइंस ही करा रही थी मैं, बिल्कुल साइंस करा रही थी प्योर, और करंट अफेयर्स भी उसी के कवर करा रही थी, और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो हमने कराए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस लगे हैं वहां से। जी अभी नहीं कराया था, थोड़े दिनों से दिवाली के बाद से हमने थोड़ा सा इकोनॉमी और RO वगैरह पे ध्यान दिया था, तो इसलिए नहीं कराया। उसके बाद साइंस पीछे भी कराया मैंने, बहुत सारे चैप्टर्स अभी कराए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो पुरानी क्लासेस देखिएगा, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके अंदर। चलिए बच्चों, तो मेन आंसर इज एल्वियोली हमारे पास, वेरी गुड। चलिए एल्वियोली बच्चों मेन जगह कहाँ होती है? आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों में, आपकी लंग्स की जो यूनिट कही जाती है, जो इकाई कही जाती है फेफड़ों की, उसको कहा जाता है एल्वियोली। और एल्वियलीज ही वो जगह है जहां पर आपके बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गाइस। आपको बताना है कि बच्चों गिल्टी रोग यानी कि टॉन्सिल, फैरिंजियल होता है गले का, जहां से आवाज आती है उस जगह को टॉन्सिल कहते हैं। तो आपको बताना है इस टॉन्सिल को कौन करता है? प्रोटोजोआ, कीटाणु, वायरस और फंगस। पहली बार सुन रहे हैं? अरे शिवकांत जी, तो बहुत पढ़ाते हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस आप वॉच करिएगा, सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़ाया हुआ है। आप हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो प्लस पर अगर आप हो, या पूरे पुराने जो बैचेस हैं मेरे प्लस के, बायोलॉजी के या साइंस के, वहां पे आप देखिए सारा क्लास, एक एक चीज बिल्कुल खोलकर समझाई हुई है। और जो यूट्यूब पे भी मैं कराती हूँ ना, मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं कराती कि यूट्यूब पे कोई फायदा नहीं है। बच्चों यूट्यूब पे जितना एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ साइंस का, अगर वही बच्चा सारी क्लासेस देख लेना, तो जितने क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आपके आजकल, सारे मेरे यूट्यूब क्लासेस से ही आपके कवर हो जाएंगे। इतना मतलब इतना अच्छा कलेक्शन है मेरे क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों टॉन्सिल किससे होता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, कीटाणुओं से होता है। द राइट आंसर इज जर्म्स, ठीक है, नोट करते रहिए बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं RO के पेपर में, साइंस के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाइपोथैलेमस हमारे अंग कौन से अंग, मतलब हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? लीवर, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड ब्रेन।
हाँ, तभी मैं कहती हूँ लेक्चर अटेंड किया कीजिए। पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। जितना आप लेक्चर को सुनोगे, जितना आप लेक्चर को ध्यान से सुनते रहोगे ना, सुनने से भी, मैं बता रही हूँ केवल सुनने से, चाहे आप साथ में नोट ना कर रहे हो, उससे भी बच्चों आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। बायोलॉजी अगर आपकी कमजोर है, साइंस आपकी कमजोर है, मेरी सारी 1-1.5 महीने वाली जितनी भी यूट्यूब क्लासेस हुई है, सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की क्लास हुई है, आप उन सारी को वॉच कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों हाइपोथैलेमस हमारे कौन से पार्ट का अंग है? बिल्कुल सही, शिव कुमार पचौरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों ये ब्रेन का पार्ट है, देखिए ये है आपका ब्रेन, ये है आपका ब्रेन, और यहां से देखिए इसको छोटा दिमाग कहते हैं, ये होती है गुद्दी, और इससे नीचे ये आपका रीढ़ की हड्डी जाती है। तो बच्चों हाइपोथैलेमस बिल्कुल आपके मिडल, जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, बिल्कुल इस जगह पर ये पॉइंट होता है, और इस पॉइंट को कहा जाता है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पेपर में आ चुका है ये, सेला टर्सिसा। बच्चों इसको कहा जाता है सेला टर्सिसा। तो बच्चों ये सेला टर्सिसा नाम की जो जगह है, इसी जगह पर आपकी हाइपोथैलेमस रहती है, आपके ब्रेन का, आपके ब्रेन का नहीं, आपकी जिंदगी इसी के हाथ में है। अगर बच्चों हाइपोथैलेमस पे चोट लग जाए, हाइपोथैलेमस से ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों रेगुलेट होता है। ठीक है, आपके बॉडी का तापमान कंट्रोल आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। इसी जगह पर आपके बॉडी की मास्टर ग्रंथि होती है, जिसको आप कहते हो पीयूष ग्रंथि, यानी के पिट्यूटरी ग्लैंड। और बच्चों आपके पूरे बॉडी को चलाने के लिए हमें इसी ग्रंथि की जरूरत होती है। आपके बॉडी के सारे हॉर्मोन्स, आपके बॉडी के सारे काम, सारी जगह, ये मिडल ब्रेन जो मध्य ब्रेन है, यहीं पर ये पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस, जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस कोई ग्रंथि नहीं है, हाइपोथैलेमस एक जगह का नाम है, एक गांठ होती है छोटी सी, उस गांठ के अंदर ही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और वो ग्रंथि आपके शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है, यहीं से आपकी पूरी बॉडी जो है बच्चों वो कंट्रोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बच्चों की हमारी त्वचा किस प्रकार की झिल्ली होती है। व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द स्किन? म्यूकस, सिनोवियल, क्यूटेनस और केरोटिक। हमारी त्वचा किस प्रकार की? बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी पुराने पेपर्स आए हुए हैं वहां से हमने उठा उठाकर, ठीक है, टॉपिक्स को, कि भाई किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बनवाए गए हैं। जो बच्चे वीडियो पर आते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, क्यूटेनस मेम्ब्रेन, केरोटिक मेम्ब्रेन। बच्चों मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि हमेशा बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों म्यूकस शब्द जुड़ा है श्लेष्म से, और श्लेष्म बहता है आपकी नाक में, आपके आंतों में, ठीक है, आपकी गुदा में, यहां पे श्लेष्म होता है। ठीक है, सिनोवियल शब्द जुड़ा है आपके घुटनों से, आपके घुटनों में जो द्रव्य होता है उसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। केरोटिक शब्द जुड़ा है आपके लीवर से, यानी कि आपके यकृत से। तो अब बचा क्या हमारे पास? क्यूटा, क्यूटानस को ही कहा जाता है। वैसे भी अगर किसी को डायरेक्ट बताओ तो क्यूटेनस शब्द हम त्वचा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बाह्य कला। एपिडर्मिस को हिंदी में क्या बोला जाता है? बाह्य कला। ठीक है, आपके शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी त्वचा होती है, आपके शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। अगर ये पेपर में कभी आ जाए आपके शरीर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आप बोलिएगा त्वचा, यानी के स्किन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ हमने आपको 5 और क्वेश्चन तैयार करवा दिए अपनी क्लास में। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर अटेंड करना, मैं हर बार बोलती हूँ, सुनना बहुत जरूरी है, पीडीएफ जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कालाजार किससे होता है? ये यूपीपीएससी में भी आया है भैया, एमपीपीएससी में भी आया है, राजस्थान पीएससी में भी आया है, उत्तराखंड पीएससी में आया है, और बता नहीं सकते कहाँ कहाँ आया है। कालाजार या ब्लैक जार बीमारी किससे होती है? लीशमानिया, डोनोवनी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, अजोटोबैक्टर और ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 8, हमने साइंस थोड़े दिन पढ़ाना क्या छोड़ दिया? सारे बच्चे आंसर्स गलत दे रहे हैं, पिटाई हो जाएगी सबकी, जो बच्चे पुराने हैं, नए वालों को तो माफी है ना, और बाकियों के लिए पिटाई काफी है। चलो, कालाजार, लीशमानिया, डोनोवनी, द राइट आंसर इज, बच्चों कालाजार एक बड़ी गंदी बीमारी है, और ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है,
प्रोटोजोआ होता है, लीशमनिया डोनोवनी, इसका पूरा नाम लिखवा देती हूं मैं आपको, लीशमानिया डोनोवनी, ठीक है, ये नाम है इसका। और बच्चों क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म नाइट्रोजन डी नाइट्रिफिकेशन करता है ये, क्लॉस्ट्रीडियम चीजों को साफ करने का काम करता है, ये नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है। अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है। ई कोलाई आपके पेट में मिलता है, ई कोलाई से पेट खराब हो जाता है, ई कोलाई आपके शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है। सब पढ़ा चुकी हो, टोटल पढ़ा चुकी हो, और आप सब भूल चुके हो, सब भूल चुके हो, बीच में 10-5 दिन साइंस क्या नहीं पढ़ाया, सब भूल गए हो। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ई कोलाई आपके शरीर में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बनाता है, ई कोलाई कौन सी जगह पे मिलता है, एग्जैक्टली कहाँ मिलता है, बड़ी आंत में, लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए भैया, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बच्चों तीन जगह होती है, तीन जगह में सबसे बड़ी जगह होती है कोलन, तो आपकी बड़ी आंत की एक जगह होती है कोलन, उसी जगह बैक्टीरिया मिलता है, और ये आपके पेट के पाचन को एक तरीके से ठीक रखता है, आपको टाइम पर पॉटी आए, टाइम पर आपका पाचन हो जाए, आपके आपको कब्ज ना हो, आपको बार बार दस्त ना हो जाए, तो ये सारा कंट्रोल बच्चों इन्हीं पेट के बैक्टीरिया का काम होता है, ठीक है, तो नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है प्रोटीन्स के पाचन के लिए आपके अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन। चलिए तो बच्चों क्या आंसर निकाला आप लोगों ने, आपके आंसर तो मेरे पास डी आ रहे हैं बच्चों, प्रोटीन्स के पाचन के लिए क्या जरूरी है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलो बच्चों ये देखो, यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, प्रोटीन के पाचन के लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है, आ जाओ। एक देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए आपके शरीर में दो चीजें होती है, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो होता है ये आपके पेट में होता है ऑलरेडी, ये कहाँ मिलता है, आपके पेट में, ठीक है, और ट्रिप्सिन जो होता है ये मिलता है आपके अग्नाशय में, ठीक है। जब आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाते हो तो पेट में जाने के बाद पहले ये पेप्सिन डायरेक्टली नहीं मिलता, पेप्सिन की फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। तो जैसे बच्चों आप खाना खाते हो तो खाना खाते ही आपका पेट आपके दिमाग को संदेश पहुंचता है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, काम करो काम करो काम करो। और बच्चों क्या होता है, आपके आपके पेट के अंदर एक एसिड होता है HCL, कौन सा एसिड होता है आपके पेट में, HCL। ये HCL क्या करता है, ये फौरन ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। और बच्चों ये पेप्सिन क्या करता है, आपने जो प्रोटीन खाया उसको तीन स्टेजेस में हमेशा डिवाइड होता है, तो पहली स्टेज में तोड़ देता है। अब उसके बाद बच्चों पेट से खाना आगे जाएगा, आंतों में जाएगा, आंतों में जाने के बाद बच्चों आपका अग्नाशय ये दूसरा एंजाइम देता है, ये भी ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में होता है, कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजन। तो जैसे ही आपकी आंतों में खाना पहुंचा, दूसरा हार्मोन काम करता है, उसको बोला जाता है सिक्रेटिन, दूसरा हार्मोन। सिक्रेटिन क्या चीज है, हाँ हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा, देखो ऐसे याद रखो, अग्नाशय ट्रिप्सिन, ऐसे याद रखो, अग्नाशय ट्रिप्सिन, अग्नाशय से कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन, पेट से, पासे पेट, पासे पेप्सिन, ऐसे याद रखिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पासे पेट, पासे पेप्सिन और पासे प्रोटीन, ठीक है। तो 3P ऐसे याद रखो, 3 P's, 3 P ऐसे याद रखो, पी से पेट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो आपको याद रहेगा कि जो पेप्सिन है वो पेट में होता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो अग्नाशय में
होता है, तो आपको बच्चों आगे के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी बात पे जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, फौरन से लाइक का बटन दबाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तो क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो बच्चों ट्रिप्सिन कहाँ मिल रहा है आपको? आपके अग्नाशय में यानी के पैंक्रियाटिक जूस में मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखिए कि पेप्सिन पेट प्रोटीन पीपीपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चों आपके कौन से शरीर के हिस्से में बोमेंस कैप्सूल, ये इतनी बार आ चुका है, यूपीपीएससी में आ चुका है ये, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, कहाँ मिलता है ये? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आपके बॉडी के कौन से हिस्से में मिलते हैं? गुर्दा, लीवर, हार्ट और फेफड़े। ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल जल्दी बताइए कहाँ मिलता है? मैंने पहले भी आपको बोला है कि आता है पेपर में, काफी बार आ चुका है, ठीक है। वेरी गुड, चलिए गड़बड़ कर दिए दोबारा से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गड़बड़ हो रही है होने दीजिए, खूब गड़बड़ करिए लेकिन आंसर याद कर लीजिए बच्चों। द राइट आंसर इज किडनी। ये आपके पास दो गुर्दे होते हैं, ठीक है, और इन गुर्दों में आपको पता है गुर्दों का काम क्या होता है? आपके बॉडी को साफ करना, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप गुर्दे को कभी डाइसेक्शन करिए गुर्दे का, तो यहाँ पर गुर्दों के अंदर, गुर्दों की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है इसको? आरिफ का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड आरिफ। नेफ्रॉन, बच्चों नेफ्रॉन जो होता है ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी के उत्सर्जन तंत्र की इकाई कही जाती है। जैसे दिमाग की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तो ऐसे ही आपके किडनी तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। बच्चों हर नेफ्रॉन के पास, अगर आप नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो एक मुंह होता है और ऐसी कुछ पाइप होती है। तो ये जो मुंह होता है, इसी मुंह को बोला जाता है, ये जो मुंह होता है जहां से ब्लड एंटर करता है, इसी मुंह को बोला जाता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। और इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो अब आपको याद रहना चाहिए कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इसका संबंध आपकी किडनी से होता है, आपके गुर्दों से होता है, जिगर से नहीं होता है, ना आपके हृदय से होता है, ना आपके फेफड़ों से होता है, इसका संबंध आपकी किडनी से होता है, ठीक है। देखिए पूरा पूरा बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए गाइस आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपने कोई बुक ढंग से नहीं पढ़ी है तो भी आप इन क्वेश्चंस को याद करके और पूरा रिवीजन आप साथ के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आपको बताना है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन हमने आपको दिया है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी, कीट, भेड़ और बटरफ्लाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिल्क किससे प्राप्त होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड आर्य, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है हमारे पास। बच्चों कीड़ा, कीड़े का नाम भी नोट कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, कीड़े का नाम नोट करिए। वेरी गुड सृष्टि, इट इज बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी। बच्चों कीड़े का नाम नोट कर लीजिए, बॉम्बेक्स मोरी, ये भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। और बच्चों सिल्क उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेरीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब आप रेशम कीट का उत्पादन करते हैं रेशम को बनाने के लिए, तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखिए रेशम के कीड़ों को आपने यूज करा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि आप रेशम के कीड़ों की कौन सी अवस्था को इस्तेमाल करते हैं। देखिए किसी भी कीड़े की लाइफ में बच्चों चार, लाइफ में चार स्टेज होती है। लाइफ में कितनी स्टेज होती है? चार। पहली होती है अंडा, उसके बाद होता है लार्वा, उसके बाद होता है प्यूपा, और फिर आता है एडल्ट, ठीक है। चार स्टेज होती है। तो बच्चों उसमें जो तीसरी स्टेज होती है प्यूपा, क्या कहते हैं इसको? प्यूपा। इस लेवल पर इसको कोकून बोलते हैं।
हम जब सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं कीड़ों से, तो उसके लाइफ की तीसरी अवस्था होती है, तीसरा चरण होता है कोकून। इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके से वो अपनी पूरी बॉडी पे रेशम का आवरण बना लेता है, और इसी रेशम के आवरण को हम लोग उससे छीन लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, कोकून। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकून। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैम ये क्वेश्चन पेपर में आया था और आपने तो बताया नहीं। ठीक है, मैंने सब बताया है आपको, आपको बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है कि मानव जीव में प्रजनन कैसे होता है नॉर्मली, एक्स विट्रो, बाह्य, आंतरिक या पात्र निषेचन यानी के पॉट फर्टिलाइजेशन। बच्चों अगर आपके सारे आंसर भी गलत हो रहे हैं ना, तो कोई चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बिल्कुल बस आप वीडियो के साथ बने रहें। हाँ, इंडिया में चार वैरायटी मिलती है, मूंगा, तसर, और एक उड़ीसा की तरफ की होती है, और एक होती है मलबरी। ठीक है, तो चार होती हैं, मतलब बेसिकली दो होती है। शिव कुमार जी, मोटा मोटा मैं बताऊं, रेशम के कीड़ों को दो प्रकार के पत्ते खिलाए जाते हैं। अगर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको उसका पूरा आंसर दूंगी। देखिए, जो महंगा वाला सिल्क होता है, एक को खिलाया जाता है शहतूत का पत्ता। ठीक है, तो शहतूत का पत्ता, और एक को खिलाया जाता है ओक यानी के चीड़ का पत्ता। अब आप ये मान के चलिए कि शहतूत का पत्ता होता है सस्ता और चीड़ वाला होता है महंगा। तो बच्चों जो प्रोटीन आपको, मतलब जो जो कीड़ा जैसे सिल्क का शहतूत खाता है ना, उसको कहा जाता है मूंगा, मूंगा, मूंगा सिल्क। ठीक है, और जो चीड़ के खाते हैं उसको कहा जाता है आपका टसर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, टसर। और इसी में एक और वैरायटी होती है, मतलब इसी में ही हाई वैरायटी होती है, उसको कहा जाता है बेंगलोरी सिल्क, या बेसिकली जो कांजीवरम सिल्क का आप नाम सुनते हो वो वहीं से होता है। ठीक है, तो ये है मेन चीज, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्या आंसर था भाई इसका, इसका आंसर था बच्चों, मानव में प्रजनन कैसे होता है, इंटरनल होता है भाई। जो ओवरी होती है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। अब एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, देखिए ये ओवरी होती है ह्यूमंस के अंदर, ये यूट्रस होती है। तो यूट्रस के अंदर कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। ये भी एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है एग्जैक्टली। जय हिंद शिव शिव यादव जी, नमस्कार। तो बच्चों जो दो ट्यूब्स होती हैं मानव के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो भ्रूण होता है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। यूट्रस के अंदर भ्रूण अटैच हो जाता है 7 दिन के बाद, तो इसी पॉइंट को प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन निषेचन जो होता है स्पर्म और ओवा का, वो कहां पर होता है, वो ट्यूब्स में होता है बच्चों। तो इसको आपको गलत नहीं करना है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, इस बार भी यूपीपीएससी में एसिड का क्वेश्चन आया है, इस बार भी यूपीपीएससी में। मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है गाइस, प्लीज अपना चेक करिए, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। यूपीपीएससी में एसिड का क्वेश्चन आया है, और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बताइए कौन सा मैचिंग करेक्ट है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था यूपीपीएससी के एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो इसलिए कहती हूँ कि जो एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ ना, इसको सुन लिया करो ध्यान से। एसिटिक एसिड के अंदर आर्नस्टाइन, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड टैमरिंड, और लैक्टिक एसिड विनेगर। बच्चों जो लोग स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा नेट की जरूरत होती है, तो आप लोग ना वो वाला डेटा प्लान लिया करो जिसमें एक दिन में 3 से 4 GB मिलता है। ये जियो में आता है प्लान, वो वाला ले लिया करो। तो उससे आपकी पढ़ाई में ना, जैसे नेट खत्म हो गया, दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं हो पा रही, और हमेशा जब भी वीडियो देखते हो लो क्वालिटी पे करके देखा करो। तो लो क्वालिटी पे जब वीडियो देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा कम खर्च होगा। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर साइट्रिक एसिड, ये देखिए यहाँ पे द बेकार आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा फॉर्मिक, जो सही है, बिल्कुल सही है, यस लेमन, वेरी गुड आरिफ, बिल्कुल सही उत्तर है। तो
हमने करेक्ट पेयर पूछा था, और नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक होता है चींटी के अंदर, एसिडिक एसिड होता है सिरके के अंदर, और लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर। ठीक है, तो केवल सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चों, आपको बताना है कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम कोबाल अमीन है। इस बार भी यूपीपीएससी में 3 क्वेश्चन आए हैं विटामिन से। इस बार 3 बच्चों क्वेश्चन विटामिन से आए, मैं बता रही हूँ, आरओ में भी आएगा, मैं फिर आपको चेता रही हूँ, अच्छे से पढ़ के चले जाना। हर मतलब ये सरकारी टॉपिक है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। कोबाल अमीन बताइए फटाफट से, कोबाल अमीन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन B1 और विटामिन सी? यस, हेलो पिंटू कनौजिया जी, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। बच्चों विटामिन, वेरी गुड, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, सृष्टि, शिवकान और शिव कुमार पचौरी, मयूर, इन सभी के आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन कोबाल अमीन यानी के साइनो कोबाल अमीन, ये कहा जाता है B12 को, किसको बोला जाता है? B12 को, ठीक है। B1 का नाम होता है थायामिन, ना कि कोबाल अमीन, कंफ्यूज नहीं होना है। सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। ये पीसीएस में आया है क्वेश्चन भाई। हाँ जी, मैं बता रही हूँ जो करा रही हूँ आपको, ज्यादातर क्वेश्चन लगते हैं पेपर में, तो साइंस के क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है आपको बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर कौन से जीव परजीवी संबंध को दर्शाते हैं, मतलब एक जीव दूसरे, परजीवी संबंध क्या होता है कि एक जीव दूसरे को खा रहा है, एक का फायदा हो रहा है। परजीवी संबंध मैंने इकोलॉजी में आपको उस दिन पढ़ाया था, इकोलॉजी में उस दिन पढ़ाया था कि नहीं, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, तो इसी को पैरासिटिक कहते हैं, पैरासिटिक रिलेशनशिप। आपको बताना है यहाँ पैरासिटिक रिलेशनशिप कौन सा है, एल्गी कोरल रीफ, गाय और बगुला, कुत्ते पर पिस्सू और रेमोरा मछली और शार्क। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं पता पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान देना है हर क्वेश्चन पर। शिव कुमार जी, मेरा यही एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यही हूं मैं साइंस की, तो इसलिए आपको इकोलॉजी, एनवायरनमेंट ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, इसमें आपको कभी भी मुझसे निराशा नहीं मिलेगी, और निराशा आपको मुझसे इकोनॉमिक्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुझे मतलब दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। And economy, I don't treat it as a subject, I treat it as a part of life. Economics is a part of life. है ना, बस थोड़ी सी टेक्निकल जिसमें चीजें होती हैं वो समझनी होती हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पॉलिटी से हम थोड़ा सा घबराते हैं, पॉलिटी में ज्यादा उद्दंडता नहीं करते हैं। चलिए तो बताइए भाई, कुत्ते पर पिस्सू, बच्चों यहाँ पर पैरासिटिक, मैंने अभी आपसे बोला पैरासिटिक रिलेशनशिप को इकोलॉजी में प्लस माइनस रिलेशनशिप बोला जाता है। प्लस माइनस रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक को फायदा एक को नुकसान। बच्चों देखो, कुत्ते के ऊपर जो पिस्सू चढ़ जाते हैं या कुछ चीचड़ी चिपक जाती है, क्या करते हैं वो, कुत्ते को बीमार कर देते हैं, एक एक बुखार हो जाता है, डॉग को उसको कहा जाता है टिक फीवर। और बच्चों ये इतना ही भयानक होता है जैसे इंसानों में डेंगू होता है, ठीक है, वैसे ही आप मान लीजिए कुत्तों में टिक फीवर होता है, और एक फीवर और होता है लाइम डिसीज। ये दोनों नाम याद कर लीजिए, पेपर में आए हैं। शिव कुमार जी, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था, बीच में रोक दिया था क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे, अभी दोबारा से कल से शुरू करेंगे। हाँ, 5-6 क्लास हो चुकी है, मेंस का बैच हमने शुरू किया था, वो फिलहाल के लिए रोक दिया था क्योंकि बच्चे जो है उस टाइम पर नहीं आ पा रहे थे। तो लाइम डिसीज बच्चों, ये दोनों कुत्ते के पिस्सू के काटने की वजह से 2 बीमारियों के नाम आप नोट कर सकते हो। अच्छा बच्चों, एल्गी और कोरल रीफ का क्या रिलेशन है? इसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। नोट करते रहिए, पिस्सू रैट में भी होता है, पिस्सू कुत्तों में भी होता है, पिस्सू बिल्ली में भी होता है, जितने भी मैमल्स है, पिस्सू लोमड़ी में होता है, रकून में होता है, बंदर में होता है, जितने भी मैमल्स है, क्योंकि पिस्सुओं को मैमल्स का रक्त चाहिए होता है, तो कोई भी मैमल होगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है, या लोमड़ी हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, किसी पे भी बच्चों ये मिल जाते हैं।
ठीक है, इनका कोई दीनीमान नहीं है, ये कहीं पर भी घुस जाएंगे। अच्छा, एल्गी और कोरल रीफ, इस रिलेशन को कहा जाता है प्लस प्लस रिलेशनशिप। इसमें दोनों दोनों पक्षों को फायदा होता है। भाई एल्गी को क्या फायदा है, उसको एक जगह मिल गई रहने के लिए। कोरल रीफ को क्या फायदा है, उसको खाने के लिए एल्गी मिल रही है खाना बनाने के लिए। बच्चों गाय बगुला का रिलेशनशिप कैसे है, गाय बगुला का, गाय बगुला में गाय के ऊपर आपने देखा होगा बगुला बैठ के सवारी करता रहता है। तो यहां पर बच्चों गाय बगले में, गाय को तो पता भी नहीं मेरे ऊपर बगुला बैठा है, तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना यार तुम आओ जाओ, अब देखो मेरी क्लास में आप लोग बैठे हो, अब मेरी क्लास में 50 बच्चे आ रहे हैं या 8 बच्चे आ रहे हैं, मुझे तो यही पढ़ाना है। बात हो गई समझ में? तो यानी कि ये बात हो गई कि एक पक्ष को फायदा हो जाता है और एक पक्ष जो होता है, ये मैंने सब प्लस क्लास में पढ़ाया है अपनी, आप मेरे अक्टूबर का बैच देखना प्लस का, उसमें मैंने सब पढ़ाया है। तो एक एक पक्ष को फायदा होता है, दूसरे पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस रिलेशन को गाय बगले को यही कहा जाता है। तीसरा आता है रेमोरा मछली और शार्क। बच्चों ये भी यही रिलेशनशिप है। इन दोनों रिलेशन को हम लोग कहते हैं अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म ये भी प्लस जीरो रिलेशनशिप है, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्लियर हो गया है जी बच्चों, क्लियर हो गया? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं नोट कर लीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। लाइम डिसीज और टिक फीवर, ये दोनों चीचड़ी और बच्चों पिस्सू के द्वारा कुत्तों को बीमार हो जाते हैं वो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा कोशिका अंग बाहरी पदार्थ और खराब चीजों को पचाकर कोशिका को साफ कर देता है। ठीक है, प्लास्टिड्स, गॉल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों कौन सा सेल का ऑर्गन है, आपकी कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके बॉडी के गंदगी को, आपके सेल सेल लेवल पर मतलब कोशिका लेवल पर गंदगी को साफ कर रहा है, फॉगन मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है? नो सृष्टि, दिस इज द रॉन्ग आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपके शरीर में पावर हाउस होता है, आपके शरीर में ऊर्जा देता है, एटीपी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हेलो अभिषेक सिंह जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड मयूर, वेरी गुड मयूर का आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सफाई करता, आपकी कोशिका का सफाई करता, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इसको। कितनी बार पढ़ाया है, भूल गए हैं सारे बच्चे। ठीक है, लाइसोसोम आपके बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जो सफाई करता है वही आदमी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो आप सोचिए सेल में के अंदर अगर केमिकल्स भरते चले जाए, गंदगी भरती चली जाए, एक टाइम पे उस सेल के अंदर इतनी गंदगी हो जाएगी कि वो सेल जो है कैंसर हो जाएगा। उस सेल में, उस सेल में अनवांटेड चीजें भर भर के कैंसर हो जाएगा। तो आपको पता है ये एक तरीके से एंटी कैंसर, यानी कि आपके बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, कोई भी विदेशी चीज अंदर आ जाती है उसको साफ करता है लाइसोसोम। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सेल सेल चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो जगह से आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लाइसोसोम। कब्रगाह नहीं, कब्रगाह तो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कब्रगाह शब्द हम इस्तेमाल करते हैं स्प्लीन के लिए, प्लीहा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। बच्चों आपको बताना है कौन सी ऑर्गन है जो हमारे शरीर में आंख और हाथ के गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। हृदय, कलेजा, गुर्दा और मस्तिष्क। मतलब जिधर देख रहे हो हाथ भी उधर ही उठे। कोऑर्डिनेशन, आपके बॉडी के प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है आपकी पूरी बॉडी को? वेरी गुड मयूर, बहुत अच्छा आंसर है। वेरी गुड अभिषेक, बहुत अच्छा आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों आपके पूरे बॉडी का कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में, आपका मस्तिष्क।
कहते हैं ना, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, ब्रेन से बड़ा कोई इस दुनिया में खतरनाक चीज नहीं है, ब्रेन सबसे पावरफुल चीज है, आपका मस्तिष्क वो करेगा जो आप उससे करवाना चाहोगे, अदरवाइज वो आपको चला देगा, आप उसे नहीं चलाओगे वो आपको चला देगा। तो ब्रेन ही आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है टाइफाइड और टीबी किससे होता है, टाइफाइड और टीबी किससे होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई और बैक्टीरिया। बच्चों प्लीज जो बच्चे अभी भी आए वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को हमारी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इन इस तरह के वीडियो पर डेली आपको आना है। हेलो दीपक जी नमस्कार। जेआरएफ का स्कॉलरशिप ऑन बोर्ड मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है दीपक जी। अगर आप कहीं सरकारी पद पे हैं तो या तो पहले ही आपने लिया होता जेआरएफ, पहले ही करा होता, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाता तो वो तो चल जाता है मुझे लगता है, वरना आपको एनओसी लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों टाइफाइड और टीबी किस तरह के रोग हैं। वेरी गुड गाइस, इट इज बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज। वेरी गुड मयूर एंड शिव कुमार यादव जी और आरिफ, बिल्कुल सही जवाब है बैक्टीरिया। टाइफाइड और टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, यानी के जीवाणुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, जो चमगदड़ होती है वो बेसिकली अपने खाने को और शिकार को पकड़ने के लिए या उड़ने के लिए, रास्ते को पता करने के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने के लिए, रात को अंधेरे में उड़ने के लिए ध्वनियों के तरंगों को, कौन सी ध्वनियों का, तरंगों का इस्तेमाल करती है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक और अकाउस्टिक। शिव कुमार जी आज 8 बजे एक्चुअली फाइल लेट आया था मेरे पास, उस वजह से मैं, वैसे ही क्लास 7:30 बजे का है लेकिन मैं सोच रही हूँ कल से 8 बजे से ही कर ले उसको, 8 से 9 का क्लास कर लेते हैं या 7 से 8 का, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 7 से 8 के बीच में क्लास आपका चलेगा। हाँ जी, तो बच्चों यस एब्सोल्युटली करेक्ट, द राइट आंसर इज अल्ट्रासोनिक तरंगे। बच्चों अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है चमगादड़ के लिए, और यहां पर एक बात कही जाती है चमगादड़ों के बारे में कि चमगादड़ के कान ही उनकी आंख है, ईयर्स आर आईज, उनके कान ही उनकी आंख है, क्योंकि वो बच्चों आंखों का काम उनके कान करते हैं। दिस इज द रीजन कि इस तरीके से ये स्टेटमेंट उनके लिए बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है मानव का जो कान होता है वो अपने आसपास की बहुत सारी ध्वनियों को एकत्रित करता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा पार्ट सारी साउंड वेव्स को, ये साउंड वेव्स जैसे मान लीजिए ये साउंड वेव्स आ रही हैं चलती हुई, तो आपके कान का कौन सा हिस्सा इनको कलेक्ट करेगा, आवाज को कलेक्ट करेगा, टिन्ना, कॉकलिया, हैमर और एनविल। कान को आपके आपके कान कौन से पार्ट है कान का जो सारी तरंगों को एकत्रित करके बच्चों आपके ब्रेन तक लेकर जाता है। बच्चों द राइट आंसर इज पिन्ना। आपके कान में जो पिन्ना, आपने देखा होगा जानवरों के कान बहुत बड़े होते हैं, जानवरों के कान बहुत बड़े होते हैं, और इंसानों के कान, अगर आप इंसानों की हिस्ट्री देखें, हम जिससे डेवलप हुए हैं गाइस, हमारे कान पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, अब धीरे धीरे हमारे कानों का साइज छोटा होता चला गया है। आपको पता है बच्चों हमारा ये जो पूरा एक्सटर्नल ईयर है इसका एक ही काम होता था, दूर तक की आवाजों को पता लगाना। ठीक है, तो जितना बड़ा ये बाहर का होता था उतना बड़ा, हाँ उतना बड़ा कान का आवाज को अंदर ले जाने का काम करता था। ठीक है, तो पिन्ना, और पिन्ना को हम बाह्य कान कहते हैं। बच्चों हमारे दो कान होते हैं, एक बाह्य कान और एक आंतरिक कान, इंटरनल ईयर। ठीक है, तो जो आंतरिक कान होते हैं वो जैसे सांप होता है, स्नेक, या रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं बच्चों, तो ज्यादातर इनके बॉडी में आपने देखा होगा इनके बाहर कोई कान नहीं होता है, इनका अंदर कान होते हैं, स्नेक के ब्रेन के अंदर कान होते हैं,
ये तरंगों को जो है महसूस करके पता लगाते हैं कि आगे का क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है बच्चों, बहरे होते हैं सांप जो होते हैं, बहरे होते हैं, वो एक्सटर्नल आवाज नहीं सुन सकते, वो केवल वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, कंपनों को सुन सकते हैं वो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? आपके शरीर की एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी अपैरेटस और प्लास्टिड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल तेजी के साथ जवाब आने चाहिए सभी बच्चों के। जो बच्चे अभी अभी आए वीडियो पर, लाइक नहीं करा भाई, गलत बात, जल्दी से लाइक कर दीजिए बच्चों। यस द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके बॉडी में प्रमुख ऑर्गन है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, और अगर ये ना हो तो इंसान मर जाएगा बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को प्रोसेस करता है। इसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो आप सांस लेकर अंदर ले जाते हो, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करता है, और इसकी मदद से क्या बनाता है? एटीपी और ग्लूकोस। ग्लूकोस और ऑक्सीजन की मदद से क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, और बदले में आपकी बॉडी बाहर क्या छोड़ देती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये यूपीपीसीएस क्या सन 2017 में यूपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसकी मदद से काम करता है? ऑक्सीजन की मदद से काम करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है बच्चों कौन सी गैस है। आप चिप्स लेकर आते हो, लेज वगैरह लेकर आते हो, बिल्कुल फूला हुआ पैकेट रहता है उसका, कभी नोट करा है? लेज का पैकेट फूला हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? आज मेरे पास एस नाम के बच्चे बहुत जुड़े हुए, शिवकांत, शिव सिंह, सृष्टि, शिव कुमार और शिवकांत। सही है, सही है, वेल डन। एक बार ऐसी बात है, एक बार ए नाम के बच्चे जुड़ गए थे सारे। बताइए बच्चों, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस उसमें डाली जाती है? हाँ, 10:30 बजे आज आरओ के लिए क्लास लगाई है हमने, तो ये क्लास बस 9 बजे तक चलेगा, फिर आप लोग खाना वाना खा लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ स्पेशल पर 10:30 बजे। ठीक है, आज आराम से 1.5-2 घंटा 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, खाना वाना खा के बैठना, सुसु पॉटी करके बैठना। ठीक है, लेस के लिए बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन से बचाती है, अपचयन से बचाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है आपके पौधों में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट हैज बीन आस्क्ड इन पेपर मेनी टाइम्स। मिडवेन, स्टोमा, फ्लोएम और ऑक्साइलम। भैया पेपर सेटर बहुत चालाक होता है, ढूंढ ढूंढ के कोशिश करता है कि आपको वो क्वेश्चन दे जो आप ना कर पाओ। ठीक है ना, चलो तो आंसर मेरे पास आ रहा है स्टोमा, मेरे पास कोई सही आंसर नहीं आया। बच्चों देखिए, आपके पत्ते, जो पत्ते होते हैं पौधों में, पत्ते, पत्तों के अंदर एक जगह होती है स्ट्रोमा, स्टोमाटा। स्टोमाटा का नाम सुना है? स्टोमाटा को शॉर्ट में कहते हैं स्टोमा। तो बच्चों यही वो जगह है जहां से गैसों का तो एक्सचेंज होता है और साथ में सनलाइट अंदर जाती है। कौन सी जगह से जाती है सनलाइट अंदर? स्टोमा।
रंध्र, सामने लिखा हुआ है आंसर, फिर भी गलत कर रहे हो। क्या आंसर आएगा? स्टोमाटा या स्टोमा। इसी का मेन काम है आपके पौधों के अंदर सनलाइट को और पानी को, तो नीचे पानी तो नीचे से आता है, ऑक्सीजन और सनलाइट का जाने का रास्ता कौन सा है? स्टोमाटा। हो सकता है पेपर में हिंदी में रंध्र लिखकर ना आए, स्टोमाटा लिखकर आ जाए। याद रख लीजिए, स्टोमाटा ही पत्तों तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सा फंगस का प्रकार नहीं है, कौन सा कवक का प्रकार नहीं है? अगेरिकस, गोनाइलिक्स, पेंसिलियम और एस्परजिलस। ये अगेरिकस की स्पेलिंग ठीक कर देती हूं मैं, गलत लिखी भी है उन्होंने। हाँ बताइए। हाँ पत्तों के अंदर होता है, पत्तों के अंदर। बच्चों द राइट आंसर इज बी, गोनियालिक्स। बच्चों एगेरिकस कहते हैं मशरूम को, ध्यान से सुन लीजिए, ये पेपर में आ चुका है। पेंसिलियम फंगस होती है जिससे एंटीबायोटिक बनी थी। कौन सी एंटीबायोटिक बनी थी? पेंसिलियम खुद एक है, पेंसिलीन फंगस होती है ये भी। इससे पहला एंटीबायोटिक बनाया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद आ गया कि नहीं आया? एस्परजिलस जो होती है ये भी ब्लैक फंगस कही जाती है, जो अभी कोरोना के समय पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, बहुत फुटेज खाया था इसने। कौन सी फंगस ने फुटेज खाया था? एस्परजिलस ने। ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, सिंड्रेला फंगस, पता नहीं क्या क्या नाम। और बच्चों इससे फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, अगर ये खाने में हो और आपके पेट में चली जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये तीनों फंगस है, केवल जो गोनियालिक्स है, जो गोनियालिक्स है वो बच्चों दैट इज नॉट अ फंगस। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन पे बेस्ड था। बच्चों अगर आपको तीनों फंगस के बारे में पता है ना, बाकी तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, गोनियालिक्स का। चलिए अगला बच्चों, गोनियालिक्स क्या होता क्या है? बेसिकली ये एलगाई का नाम है। ये है एलगाई, यानी के पानी की, समुद्र में मिलती है ज्यादातर ये, और ये कवक शैवाल होती है ये। ठीक है, बिल्कुल अलग बिरादरी की है। हाँ येलो फंगस भी होती है। चलिए, और बच्चों इसको नोट कर लीजिए, तीन प्रकार की फंगस में पेपर पे क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रही हूँ आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी फिलहाल के लिए। हाँ खांसी हो रहा है यार बहुत ज्यादा। बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं? बस कोई नहीं, क्लास खत्म ही होने वाला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच्चों टोटल कितने विटामिन होते हैं? 12, 10, 8 और 6। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी 10:30 बजे स्पेशल क्लास में। ठीक है जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच्चों कितने विटामिन होते हैं? चलिए गिनना शुरू करते हैं हम साथ के साथ, गिनते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B7, B9 और B12। कितने विटामिन्स हुए? गिन के बताओ कितने हो गए? चलो मैंने आपको गिनवा दिए सारे विटामिन्स, जल्दी से बताओ कितने विटामिन्स दिखाई दे रहे हैं? 6 के 8। कितने विटामिन है ये टोटल? 8 विटामिन। ठीक है, तो आपके सामने लिख दिया मैंने 8 के 8, 8 विटामिन। ठीक है गाइस, तो आप नोट कर सकते हो। बाकी B6 विटामिन नहीं होता है, B8 विटामिन नहीं होता है, B10 और 11 भी कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, वो जरा 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आपसे लूंगी मैं विदा। तो गाइस पहले तो आपको बता दें कि अन अकेडमी पे हमारी एक जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप आ गए, इसमें स्कॉलरशिप जी सकते हो। और जो बच्चे अनअकैडमी पर प्लस पर नहीं है, हर संडे को सुबह 10 बजे आकर आप लोग अपने रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप जीत सकते हो। उसके अलावा उन्नत की टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों के लिए, प्लस वाले बच्चों के लिए हमारे। थैंक यू मयूर जी, मेरी क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के तो अल्टीमेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, हर सैटरडे को सुबह 10 बजे। उसके अलावा बच्चों बैच कोर्सेज अभी जो लेटेस्ट चल रहा है लेखपाल के लिए चल रहा है, इसमें मेगा क्लास 2 से 3, 4 बजे तक चल रहा है दिन में, इसमें आप आ सकते हो इकोलॉजी एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण का। उसके अलावा गाइस ये सारे बैचेस की लिस्ट है हमारे पास, और यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन 12 महीने का बच्चों आपको मिलता है 700 रुपए महीना। रैना 10 कोड जरूर लगा रहे, आप जब भी कभी अनअकैडमी पर कहीं भी कोई भी कोर्स लेते हैं, आपके फ्रेंड लेते हैं, उनको मेरा नाम जरूर सब्सक्राइब करें, रैना 10 कोड। और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 500 रुपए महीना पर आपको मिलता है 10% डिस्काउंट के साथ। यूपी बिहार वालों के लिए 8,000 रुपए का 6 महीने का कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज, यहाँ पर भी आप रैना 10 कोड लगा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आते हैं, तो वहां पर भी रैना 10 कोड लगाइए। बक्स बाउंटी में आपको मौका देते हैं, अनअकैडमी पे कोई गलत चीज आपको पढ़ाई जा रही है, कोई गलत बात आपको बताई जा रही है, उसका विरोध करिए, उसके बारे में हमें बताएं, उसके लिए आपको प्राइज मिलेगा। और स्पेशल क्लास आज मिलेंगे मुझसे 10:30 बजे, 1.5 घंटे बाद। जब तक के लिए डिनर करिए, रेस्ट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें गाइस, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच, दिस इज योर अनअकैडमी, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वीडियो को लाइक करके जाना है जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है, और जो बच्चे बाद में देखते हैं वीडियो, प्लीज जरूर लाइक शेयर किया करें वीडियो को।